अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मल्लिक गांव बल्ला में चल रहे जाट आरक्षण धरना स्थल पर पहुंचे। जाटों ने उनका फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं यशपाल मल्लिक ने कहा कि सरकार जाटों से वायदा करके उन वायदों से मुकर रही है और मजबूत होकर जाटों को दोबारा से संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि जब तक जाटों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और उसके अतिरिक्त अन्य मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक जाट इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। वही मांगे हैं जिन पर फैसले फरवरी में हुए थे, जिन पर फैसले मार्च में हुए थे, जिन पर फैसले जून में हुए थे। सात मांग थी पहले भी, अभी भी वही मांग है। पहली मांग थी प्रदेश और केंद्र का आरक्षण। प्रदेश का आरक्षण कोर्ट में है, लेकिन केंद्र के आरक्षण को दे सकते थे। उसके बाद जो लोग हमारे जेलों में हैं वे बाहर आए, और जो झूठे मुकदमे दर्ज हैं, सभी मुकदमे दर्ज हैं वे वापसी हो, जो घायल है उनको मुआवजा मिले, जो शहीद है उनको नौकरी मिले, और राजकुमार सैनी का इलाज हो, सरकार उसकी जांच करवाए उसके भाषणों की, और जांच करवा के उन पर अगर उसने गलती की है तो उसकी सदस्यता रद्द की है एथिक्स कमेटी की, और उसके बाद जो दोषी अधिकारी है अमित वर्मा जैसे और अनिल यादव जैसे, उन तमाम जिन्होंने वहाँ बच्चों की पिटाई की थी उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस दायर हो। ऐसे बहुत से अधिकारी है, जज्जर का SP है, ये तमाम लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हो। तो ये सात मांग पर 3 बार फैसले हो चुके और तीनों बार में सरकार इन फैसलों को लागू नहीं कर रही। ये कोई ये नहीं कि मैं हमने जबरदस्ती मांग थोप ली, इन पर 3 बार फैसला हो चुका है, सरकार ने मांग की मांग। सर कई गुट ऐसे हैं जो हवा से आह्वान हो गए नेताओं के बारे में क्या कहना चाहूँगा? गुट और जो खाप नेता जिन्हें आप बता रहे, पहली बात तो मुझे 99% खाप के किसी के नेता नहीं।